ओके गाइस नाउ वी हैव सेक्शन टू में आ गया मल्टीपल चॉइस अब जरा देखना है कि मल्टीपल चॉइस को आपने कैसे क्रैक करना है ठीक है ट्रैफिक चेंजेस इन ग्रैंड फोर्ड अब जरा इमेजिन करें ट्रैफिक चेंजेस को कि ग्रैंड फोर्ड हमें नहीं पता अभी तक क्या है कुछ टाउन हो सकता है कुछ भी है वहां पे ट्रैफिक चेंजेस उसके बारे में क्वेश्चन नंबर इलेवन अब ये जो मल्टीपल चॉइस है ये स्टार्ट हो रहा है वाई से Why का मतलब है कि दिस मल्टीपल चॉइस इज अबाउट अ रीजन मतलब वाई रीजन वेयर प्लेस वेन डेट और टाइम हाउ मैथड और मैनर सो दे से हि व्हाई आर चेंजेस नीडेड टू ट्रैफिक सिस्टम इन ग्रैंड फोर्ड ग्रैंड फोर्ड में ट्रैफिक सिस्टम में चेंजेस की जरूरत क्यों है ठीक है अच्छा अब एक चीज अपनी आदत डेवेलप करें मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन पढ़ने के लिए सारे के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा आपने नंबर वन तो ए बी सी नहीं पढ़ना नंबर टू आप लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़ना आर्टिकल से मुराद है आ एन द सम एनी इस तरह के वर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है आपने तीन तरह के वर्ड्स पे फोकस करने नंबर वन जो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड है दैट इज व्हाट वी कॉल नाउंस नंबर टू वर्ब्स नंबर थ्री एडजेक्टिव और बाजुकात एडवर्ब्स भी होते हैं ठीक है लेकिन मेनली नाउंस वर्ब्स एडजेक्टिव अच्छा एक चीज और बाजुकात क्या होता है कि जो मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन हैं वो स्टार्ट होते हैं विद वर्ब टू लर्न अ लैंग्वेज टू स्पीक इन अ डिफरेंट वे तो वहां पे आपने वर्ब पे फोकस करना है ठीक है ये चीज देखनी है अब जरा देखते हैं ऑप्शन क्या है एक्सीडेंट्स है और कुछ सोचना ही नहीं है ट्रैफिक एक्सीडेंट राइजन वर्णा क्या है द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज राइजन अच्छा फिर अगला पढ़े पूरा पूरा नहीं पढ़ना मेन जो चीज है वो अब आपने ऑडियो में फोकस करना है अगर वो ये बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है यानी जो आंसर गलत होता है ना मल्टीपल चॉइस में जो ट्रैप होता है आमतौर पे वो ऑपोजिट बोलते हैं या क्या होगा उसके साथ नॉट लगा देंगे लाइक सम पीपल थॉट द मेन रीजन इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बट एक्चुअली दैट्स नॉट राइट साथ ही उसने एक बात करके ना उसको साथ ही डिनाई कर दिया तो ये चीजें ट्रैप में आती हैं जिनको आप लोगों ने पकड़ना है ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड हैज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज इंक्रीज का कोई सिनोनिम आएगा. रोड टाइप्स ऑफ व्हीकल चेंज पहले कार्स थी अब कार्स भी आ गई लॉरीज भी आ गई ट्रक्स भी आ गए एंड ऑल दैट दोबारा बता रहा हूं तीनों की बात करेगा क्वेश्चन पे वापस जाए क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई आर चेंजेस नीडेड की उनको जरूरत क्यों है अब इन तीनों में से क्या रीजन है आई प्ले you गॉट टू टेल मी So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents but that's not something we want to see happen, obviously. A, B or C? B. Okay, the right answer is B for boy. Right? I'll play it again. And see, I'll tell you when A ki about A, when C ki and all that. Listen. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well... We are very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. Increase in heavy traffic while they've been building the hospital. In hospital. Any yani, hospital ke liye heavy traffic hai, but actually uh, the types of vehicle on the road have changed. That, that's not the answer. Because the question is why are changes needed? Aur iske end pe kya bol rahe? But well, it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. That's concerning us. It's the overall rise in the volume of traffic that is concerning us. Amount of traffic and volume of traffic, they are the same. Or that is concerning us. That is concerning us means why are changes needed. So option B will be the right answer. options but, but ठीक है, है है। है। है पे पे, आ अगर अगर आपने, आपने आपने देखिए एक एक काम करें, करें, चीज और भी बताता सबसे सबसे पहले पहले देखना कि कि में किस option की बात हो रही रही वो पकड़ना तो ऐसा हुआ audio चल रही है C पे, आपकी टिकी हुई है ए पे तो फिर तो मल्टीपल चॉइस हाथ से गया सबसे पहले क्या करना है सुना है क्या ये ऑप्शन राइट आंसर है या क्या ये ऑप्शन सिर्फ ट्रैप है अगर तो ट्रैप है छोटा सा क्रॉस लगा दें अगर वो ऑप्शन राइट आंसर है तो टिक लगा दे। और अगर समझ नहीं आया कि ये आंसर है, है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें अब होगा क्या अगर आपने सक्सेसफुली तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्रॉस कर दिया आपका सक्सेस रेट हो गया फिफ्टी फिफ्टी अब तुक्का भी सही लग जाएगा तो सबसे पहला काम यही करना है तीनों में से एक ऑप्शन तो कम से कम मैं निकालू ना ऑड वन आउट ताकि मेरा सक्सेस रेट जो है वो 50 50 हो जाए और फिर वर्ड्स अभी मैं आपको बताता हूं किन किन वर्ड्स पे आप लोगों ने फोकस करना पर्टिकुलरली कंप्लेन अबाउट अब जो वर्ड आगे ना पर्टिकुलरली कंप्लेन अबाउट इसका मतलब है उन्होंने और भी बहुत चीजों के बारे में कंप्लेंट्स जो है वो की लेकिन पर्टिकुलरली कंप्लेंट अबाउट तो तीन में से दो वो होंगे कि जस्ट फ्यू पीपल कंप्लेन अबाउट दैट और दॉ अ मेजोरिटी हु डिस्कस दैट राइट या फिर एक पूरा आपको प्रॉब्लम बर... अच्छा एक चीज और भी है मल्टीपल चॉइस में जिस ऑप्शन को एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ बताएं और उसके एंड पे वो एक ऐसा वर्ड लगाते हैं वो आंसर नहीं होता फर्स करें फर्स करें वो कहते हैं जी फर्स्ट वी थॉट डेंजरस ड्राइविंग बाय पेरेंट्स वुड बी द फर्स्ट कॉज ऑफ कंसर्न बट नो बडी टॉक्ट अबाउट इट सही हो गया ना तो ये ये चीजें आप लोगों ने पकड़नी है फिर आपको समझ आएगी कि करना क्या है तो नहीं जी अच्छा अब लोकल रेजिडेंट्स पर्टिकुलरली कंप्लेंट अबाउट ए हो गया डेंजरस ड्राइविंग बाय पेरेंट्स डेंजरस ड्राइविंग का मतलब है कि बड़ी रैश ड्राइविंग बी हो गया पोल्यूशन फ्रॉम ट्रक्स एंड लॉरीज राइट मतलब यहां पे हो गया पोल्यूशन ए में हो गया डेंजरस ड्राइविंग बी में हो गया पोल्यूशन सी में हो गया इनकनवीनियंस फ्रॉम पार्कड कार्स कि जो सड़क पे गाड़ियां लगा के चले जाते हैं उससे अब क्वेश्चन क्या है लोकल रेजिडेंट्स पर्टिकुलरली कंप्लेन अबाउट कि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कंप्लेन की अब ये आपने सुनना है और तीनों की बात होगी कोशिश करें तीनों में से एक चुनटी को मार दें जैसे गेम नहीं खेलते कि अच्छा ये हो गया ए तो आंसर हो ही नहीं ना सकता उसके बाद दो रह जाएंगे तो दो में आप तुक्का भी लगाएंगे वो नहीं बावेदा नहीं क्या कहते हैं बम अस्सी ये करते हैं ना हाँ वही तो या फिर वो जब आपस में खेल रहे होते हैं सो वो दो में आप कर सकते हैं दो में कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं ले जी आई प्ले दू रिटलीस्टिंग People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list. And nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. See that? वॉज इन टॉप ऑफ द लिस्ट ए नॉर नॉर लगा के अगला भी बता दिया दोनों को उसने कंडेम कर दिया राइट सो वट इज दी गुड चोर पकड़ आ गया सी इज द राइट आंसर सी फॉर कैट इनकन्वीनियंस फ्रॉम पार्कड कार्स ठीक है अब ए क्या है डेंजरस ड्राइविंग बाई पेरेंट सी से दोबारा सुन लेते हैं कोई बात नहीं ये yes. We recently carried out a survey of local residents and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list. And nor were noise and fumes from trucks and lorries. Though they were mentioned by some people, expected means we had expected. When ये बोलेगा ना we had expected, so actually वो हुआ नहीं, right? You're near the school. When parents are dropping off their children, not picking them up. But this was on top of the list. This wasn't top of the list. Wasn't negative हो गया ना? यही तो मैंने बताया कि not का word लगता है. अब आगे वो pollution का भी सुने. No, were noise and fumes from trucks and lorries. Nor Nor, Nor, Nor were were noise and 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 fumes fumes from trucks lorries. all the जो है वो पोल्यूशन में आ जाएगा धुआं ठीक हो गया yes. चले हैं चलाक लेकिन खामोशी बोलना नहीं है ठीक है ये और राइट क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाए अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वन प्रॉब्लम विद द न्यू रेगुलेशन विल बी अब वो न्यू रेगुलेशन की बात करेंगे न्यू रेगुलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दो चीजों को कहेंगे ये कोई इश्यू नहीं है या ये प्रॉब्लम नहीं है बात करेंगे दो चीजों की बट एक चीज जो है दैट विल बी द प्रॉब्लम ए रेजिंग मनी टू पे फॉर देम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रेजिंग मनी टू पे कि जो न्यू रेगुलेशन है उसके पैसे कहां से आएंगे और अगर वो कहेंगे कि वी हैव ऑलरेडी अरेन्ज द फंस तो फिर ए जो है वो आंसर नहीं है कम अज कम कोशिश करें कि एक एक आंसर तो आप क्रॉस करें ना ट्रैप कम से कम एक ट्रैप आंसर आप क्रॉस करें ताकि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए बी फाइंडिंग पीपल फॉलो देम फाइंडिंग से फॉलो कैसे करवाना है ये। ऑप्शन सी गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द पुलिस पुलिस की सपोर्ट लेना अब क्या है वन प्रॉब्लम पुलिस की सपोर्ट लेना अगर वो कहें वी डोंट सी बिकॉज क्वेश्चन क्या है वन प्रॉब्लम अब वन प्रॉब्लम वही होगा जो चीज उनसे अरेंज नहीं हो रही अगर फंड नहीं अरेंज हो रहे तो ए अगर यह नहीं पता चल रहा कि लोगों से फॉलो कैसे करवाना रेगुलेशन तो बी और अगर पुलिस की सपोर्ट नहीं मिल रही तो यह प्रॉब्लम होगा ठीक है सुनिएगा आप जरा वी थिंक दीज न्यू ट्रैफिक रेगुलेशन वुड मेक अफ डिफरेंस बट वी स्टिल है लॉन्ग वाइट अ गाव We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. And that's the area we are working on with the help of representatives from the police force. So, what is the answer? B, exactly. That's right. Thank you, Yasin So it's not C, getting the support of the police. Wo problem the problem. we work out kar rahe with the support of police. Haan, bilkul, bilkul, Jitni kaengi, repeat We think these new traffic regulations would make a lot of difference. But we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. From the police force. That's the area we're working on. Clear?